डीजे शेजवुड इन्होंने म्यूजिक दिया, मैं इन्हें प्यार से बॉसी बुलाती हूँ। सी ये हमारा फोर्थ कोलैबोरेशन है दीपशिका और मेरा। तो इस गाने के पीछे ये आइडिया था कि लास्ट ईयर डांडिया पे हम लोगों ने प्लान किया था कि हम एक डांडिया का सॉन्ग करते हैं, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते रहे कि वो डिले होता रहा, और इस बार दीपशी ने गर्दन पकड़ के ये गाना रिकॉर्ड करा लिया और रिजल्ट सबके सामने है। थोड़े जल्दी जल्दी में हुआ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, दीपशी भी ट्रैवल कर रही थी, हम लोगों का दुबई आना जाना लगा हुआ था। बट अब फाइनली जब हम सुन रहे हैं तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि कितना अच्छा। उसमें स्पेशल एक बढ़िया बात ये है कि म्यूज़िक वाइज तो हम जितनी मेहनत कर सकते थे वो किया, पर जो दीपशी का वोकल है वो इतना सीजनड लग रहा है और इतनी जल्दी इसने वो गाया, एक्टिंग में उसने होल्ड कर रखा है, वो तो उसका फोर्टे है कि अकेले उसने कैमरे को होल्ड किया और वीडियो आप एंड तक देखते रहते हैं बिकॉज ऑफ हर। बट जो मेन बात थी वो ये थी कि जो वोकल था वो इतना सीजनड और इतना परफेक्ट किया उसने, और मैं स्टूडियो में था भी नहीं, उसके बाद भी उसने खुद वो करके वोकल किया, तो दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द सॉन्ग। सो एक्चुअली बॉसी मेरा चौथा गाना है, दो गाने रिलीज हो चुके हैं, तीसरा हम करने वाले थे लेकिन डांडिया का सीजन था, तो मुझे एक दो साल से बोल रहे हैं कि बिकॉज आई एम गुजराती हाफ तो डांडिया का गाना दीपशिका तू गाना, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ होता था, हो नहीं पाता था। इस बार भी फ़ोन करते हैं दीपशो कल गाना गाना है, मैंने बोला ओके, फिर बॉसी गाया नेक्स्ट डे। ये इनकी आदत है क्योंकि बहुत ट्रैवल करते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता कहाँ है कहाँ नहीं, और मैं भी कर रही थी तो मैं भड़क गई, मैंने बोला आप ना हर साल बोलते रहते हो, आप करते नहीं हो, मैंने बहुत डांट दिया उनको। तो बोला अच्छा ठीक है, मेरा असिस्टेंट फ़ोन करेगा, तुम जाके गा लेना। तो मैंने बोला मैं जाके गा लूँ मतलब क्या, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर थोड़ी ना हो कि जाओ जाके स्टूडियो में जाके गाना गा लो, एक्टिंग करने बोलो तो मैं ऐसे कर लूँ। तो थोड़ी मुझे दुगदुगी हो रही थी कि मैं अच्छा गाऊँ ये करूँ, और मैंने सोचा क्या होता है, एक डर होता है जो आपको है ना रोकता है, आप परफेक्शन के लिए जाते हो। अभी तीन गाने गा चुकी थी तो मैंने सोचा जो होगा होगा, अच्छा गाया तो गाया, नहीं गाया तो किसी और से गवा लेंगे और क्या होगा। तो ऐसे मैं बिंदास होकर चली गई, गाना बहुत ही सुंदर है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, तो मैं इंजॉय कर रही थी। तो जब मैं गई स्टूडियो में तो वहाँ अंतरा लिख के आया, मैंने अभी अंतरा लिख के मैं कैसे सेट करूँ इसके साथ, अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा था, बॉसी नहीं थे तो मेरे लिए एक लर्निंग एक होता ना, माँ बाप बच्चों को हाथ पकड़ के चलाते जब छोड़ देते हैं तो खुद चलने लग जाते तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैंने गाना गाया और मैं अपने मस्त में गा रही थी, मैं इंजॉय करके गा रही थी गाना। तो वो जो मेरे साथ तो आपके रिकॉर्डिस्ट थे वो बोलते आप तो बड़े मज़े ले रहे हो, मेरा गुजराती फोक है, मैं गुजरातन हूँ, डांडिया का गाना कैसे नहीं करूँगी, और बस गा दिया मैंने, आधे घंटे में गाना गाया और मैं निकल गई। और मैंने बॉसी को बोला मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आगे आप देख लेना। तो एक हफ्ते तक फ़ोन नहीं आया, तो मुझे लगा शायद नहीं अच्छा लगा होगा, मुझे अच्छा लगा होगा, बट वेन द फाइनल सॉन्ग केम आई रियली लाइक गूज बम्स हो गए थे। मैंने बोला मैंने गाया, मतलब मुझे ऐसा लगा वाह, बिकॉज आप सबको पता होगा मुझे गाना गाने का बहुत शौक था, एक्टिंग तो बाई डिफ़ॉल्ट मैं बन गई हूँ। तो जिस चीज़ का तुम्हें शौक होता है और वो तुम अच्छा करते हो और उसका रिएक्शन अच्छा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो बस बन गया। फिर उसके बाद एक ही दिन था हमारे पास शूट करने के लिए, क्योंकि कभी वो नहीं थे, कभी मैं नहीं थी, कभी स्टूडियो नहीं था। मैंने बोला ये गाना मैं शूट करूँगी बिकॉज मुझे मेरे हिसाब से करना है। तो पूरा ड्रेस वेस कॉन्सेप्ट मैंने, बॉस ने बोला दीपशी तेरे को जो शूट करना है कर ले, बस मैंने शूट किया और जल्दी जल्दी में यही हो सकता था, बट गाना बहुत अच्छा हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट। सही, इसको जो भी हम कोलैब करते हैं, गाना करते हैं, उसमें दीपशी को हमेशा बोलता हूँ कि विजुअल्स तुम्हें जो चाहिए तुम वैसा शूट करो, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस है उसको, पता है कि क्या अच्छा लगता है, क्या पब्लिक को अच्छा लगता है। तो और देखो आप अगर एक स्टूडियो में आप शूट कर रहे हो, अगर दीपशिका की परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स एनी डे बहुत अच्छी है, वो गुजराती है तो उसके गरबे के स्टाइल भी उसको आते हैं, बट जो उसने अटायर डिज़ाइन किया वो बिल्कुल अलग था। आप उसमें आपका मन करता है कि आप उसको देखते रहो, और इसीलिए गाना देखिए एक दिन में ही फिर 38K व्यूज़ अचीव कर रहा है, तो लोगों को पसंद आ रहा है, रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। और मैंने सोचा था कि राधे राधे तो मैं ऐसे भजन नहीं गाऊंगी, मस्ती वाला करूंगी, इसलिए जब मैं गाड़ी से उतरी मैंने चश्मा वश्मा दबंग टाइप ऑफ लुक रखा कि वो चमक छलो बन के जाती हूँ, रैन में मैंने ऐसे आँख मारी ताकि लोग इन्जॉय करें, मतलब ना गाने को भगवान का नाम भी लें और खुश भी और डांडिया भी खेलें। तो इस गाने में आप डायरेक्ट भी किए हो, मतलब आपने डायरेक्शन भी दिए हो आपने पहले में और अब में, कितना डिफरेंट लग गया, आप कितना नर्वस थे पहले में और अब में?
गाना डायरेक्शन करने में नर्वस नहीं थी, वो तो मेरे अभी भी करती हूँ, बट सिंगिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या हुआ तेरा वादा भी मैंने ऐसे आधे घंटे में गाया था, और जब मैं गा के निकल गई ना, मैंने बोला ये गाना अच्छा है, तो ये वाला गाना भी ऐसा हुआ। तो इस बार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, हो गई हूँ एक्चुअली अभी, क्योंकि बॉस ही नहीं थे, नए स्टूडियो में गाना गाया, नए लोगों के सामने गाया और खुद से गाया, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया गाने का, कि पहले रोमांटिक गाया, फिर क्लब मिक्स गाया, और अभी ऑलमोस्ट इज अ फोक डांस, बीच में हिप हॉप भी गाया, हाँ बीच में कभी आया, तो वो ये फोक गाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाने के। तो सीखा मल्टी स्टार हो चुका है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, सिंगर भी हो गया, अभी अब डायरेक्टर भी, मतलब सब मल्टी स्टार सीखा में भी आ गए। एक ही जिंदगी है, जो मन में आए करना चाहिए, अच्छा लगे बुरा करे, लेकिन कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। तो इसी बात पे लैंड गाना गा दीजिए राधे राधे जी, ऐसी किस्मत मेरी, इतने तारीफ कर दी कि दूसरे दिन दुबई गई, वहाँ पे मैंने अचार खाने मैंने गला ही भर गया, बट जेन्युइनली बैठा है, बट मैं कोशिश करूंगी। बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि यार मेरा गला ठीक होता तो मैं और अच्छे से गाती, बट ठीक है। शादी राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे गाने आनो रस रचाओ आज हमारे साथ रे टन 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 डांडिया नो रस रचाओ आज हमारे साथ रे राधा जी भी साथ लाओ आज हमारे साथ में राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 में गेम हो गया है। क्या बात है, क्या बात, सुपर सुपर। आपको यहाँ पर काफी रिस्पॉन्स, आपको फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पॉन्स है हमारे में जब बता, जैसे दोस्तों को बोलते ना, खुद को मैं सबसे बड़ी क्रिटिक मैं हूँ, ऑब्वियसली बॉस ही अपना करियर तो रिस्क पे नहीं डालेंगे किसी से, याद भी गवा के ऑटो ट्यूनिंग करके, मैंने बोला मत करना ऐसा, नहीं अच्छा होगा तो किसी और से गवाना, मतलब मेरी बेइज्जती मत करना अपने, वो क्यों करेंगे। तो जब गाना आया अच्छा है, तो मैंने जब सुना, मैं सबसे पहले मेरी बेटी को सुनाया, वो सबसे बड़ी क्रिटिक है, ऐसे हाउ डिड यू लाइक माय, यू नेल्ड इट। तो मैंने बोला अच्छा, फिर मैंने मेरी फ्रेंड को सुनाया जो लोग यहाँ पे थे, मेरा सच्ची बोलना, तो निकी टाउन में आई थी, निकी बोलती है अभी दीप्शी ने बोला है तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, मतलब बहुत गड़बड़ लग रहा है, बट जब सुना तो वो वाकई में तारीफ की, जैसे आपका रिएक्शन था, तो आज तक तो कभी ऐसा रिएक्ट किया नहीं, तो रिएक्शन अच्छा है तो ऐसे लगा चलो हम सक्सेसफुल, एटलीस्ट हमने प्रोडक्ट अच्छा किया है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो साथ में अभी क्या नया पेटर, आप दोनों के साथ में ट्यूनिंग गोरी जानी किया, तो क्या नया आप देखने को। मैं तो कब से इनके पीछे पड़ी हूँ, मेरे को ना भोलेनाथ के ऊपर गाना गाना एकदम बम बम बोले टाइप्स, मतलब क्या होता है ना, जैसे हमारी जो नई जनरेशन है वो आप सीधा भगवान का नाम बोलो ना तो वो थोड़े बोरिंग हो जाते, जैसे मेरे घर में गणपति होते हैं तो मेरे ट्रांस वाले गणपति का ऑफ बीट्स में, मतलब वेरी ट्रेंडी में बजता है, तो मैं बॉसी को बोलती हूँ ऐसे ऐसे ओम नमः शिवाय का कुछ ओम बम बम बोले पे कोई गाना बनाते एकदम हिप्पी टाइप का जो मुझे सूट करेगा। कब से मैं पीछे पड़ी हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि डंडा देके कराना पड़ेगा। आप क्या बोला जैसे सर? नहीं देख, ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में ट्यून है, उस पर मैं काम, शंकर भगवान के ऊपर उस पर मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो जल्दी ही आप लोग, मैं दीपशिका को बुला के डब करूँगा, और वो भी आई एम श्योर जैसे ये आपको अच्छा लगा, क्योंकि काम जब टाइम ले लेता है ना तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि क्रिएटिवली आप उस पर मेहनत करते हैं। तो ओम नमः शिवाय भी कुछ ऐसा ही है, जल्दी ही मैं हो सकता है इस मंथ, नेक्स्ट मंथ हम कभी भी, जैसे ही मेरा गला ठीक हो जाएगा मैं इनके पीछे पड़ूंगी। बट अभी तो बॉसी को भी मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया कि गा सकती है और मेरे पीछे भी गा सकती है। तो वो आखिर नवरात्र चल रहा है, आपके जो फैंस लोग आपको शो देख रहे हैं सब कुछ, क्या मैसेज देना चाहते हैं गाने के लिए? मैं यही कहूँगी थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने मुझे हमेशा हमेशा जो भी काम मैंने किया आपने प्यार दिया है, बस मेरे गाने को भी पसंद करना, और हैप्पी नवरात्रि, और खूब डांडिया खेलना, खूब एंजॉय करना। हम जब डांडिया खेले थे सुबह 6-6 बजे तक खेलते थे, अभी बेचारे 10-12 बजे उनको आ जाना पड़ता है, तो दैट्स वेरी सैड। सो एंजॉय योर डांडिया, हैप्पी दशहरा इन एडवांस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस, प्ले हैप्पी दिवाली एंड प्ले सेफ दिवाली। सर कुछ मैसेज आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स बी म्यूजिकल, और हमारे इस गाने को यूट्यूब पे जाकर डांडिया रास राधे राधे जाके लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें,
मुझे आई एम श्योर आप उसको देखें तब आप डिसाइड करें एंड ये ऑफ कोर्स फॉर नवरात्र जय माता दी। क्या बोलना चाहिए इस गाने के बारे में? जी एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दीप शिकारी जब मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं काफ़ी मूवीज़ में देखा हूँ। एक तो एक्ट्रेस ही बहुत ही लाजवाब है और ऊपर से इस लेवल पे गाना गाना, सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज़ ए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से लोग प्यार दे रहे हैं गाने को और जिस हिसाब से फर्स्ट डे में इतने व्यूज़ आए हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि बहुत जल्दी मिलियंस होंगे, बिलियंस होंगे और आई होप ये बहुत ही अच्छा जाए और सभी इस तरह से आप लोग प्यार देते रहिएगा और ब्लेस करते रहिएगा। थैंक यू। सर मैम, हाउ वाज योर कोलैबोरेशन विद मीडिया मैक्स एंटरटेनमेंट? आई टेल यू ऑनेस्टली, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे खाली बॉस ही फ़ोन करते हैं, दीप्शी ये गाना है कल आके गा ले, कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब पता चला, मैं पूरी टीम से मिली, दिनेश सर से भी मिली, इनसे भी मिली, दे आर सो स्वीट, सो हम्बल एंड वेरी नाइस पीपल। और कोई दिन नहीं ऐसा हुआ कि मैं दुबई नेक्स्ट डे जा रही थी और सर वहीं पे थे, तो जब मुझे उनसे उनकी फैमिली से मुलाकात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ये बात का भी अच्छा लगा कि मैं जिनके लिए गा रही हूँ वो भी हमारी तरह ही बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ और अच्छे इंसान है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बहुत आगे तक जाएगा। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था मैम के साथ काम करके? जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारी चौथी कोलैबोरेशन है और दीप्शी इज लाइक फैमिली टू मी, तो हम लोग बहुत मिले हैं तो एक दूसरे के उसको जानते हैं, बिहेवियर को जानते हैं, तो जब आप काम ऐसे वर्क स्पेस में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो वो ऑफ कोर्स वी एंजॉयड द होल प्रोसेस जर्नी, चाहे वो क्या हुआ तेरा वादा, कहीं पे निगाहें कहीं पे नहीं, कभी यार कभी पार, रेशमी सलवार एंड नाउ डांडिया रास। यस, वो बोलते ना दो एक्टर्स की जब केमिस्ट्री अच्छी होती है तो सीन अच्छा आता है, तो वैसे मुझे लगता है मेरी और शहजोर जी की केमिस्ट्री अच्छी है तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है। यस, टोटलिटी का प्रोडक्ट अपने आप ही दीप्शी के साथ जो आता है वो थोड़ा अलग स्टैंड आउट करता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।